वेलकम बैक टू कस्मा बॉय चैनल। मैं हूँ बुलबुल और मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहली बात तो आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने घर चेंज कर ली है, और घर चेंज करने का इस बार रीजन मेरा ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर हो गई है। मैं नियर बाय ही घर मैं क्वार्टर में ही शिफ्ट हो रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड की जहाँ पे ऑफिस है वहीं पे क्वार्टर है, तो मैं वहीं पे शिफ्ट हो रही हूँ। तो मैं शिफ्ट हो भी गई हूँ, और शिफ्ट करने का मेन मेरा रीजन है मेरी बेटी। मेरी बेटी को वहाँ पे प्ले करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ी सी स्पेसफुल मैंने घर ली है। ये भी बहुत बड़ी नहीं है, बट फिर भी उससे बेटर है। तो चलिए, वो तो पल भर में कहते हैं ना, जहाँ बसा बसाया घर हमारा जो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, वो पल भर में हमारा छूट जाता है। वो तो चलिए लाइफ का चलता रहता है, उतार चढ़ाव हमारे लाइफ में लगी रहती है। तो मैं ये जो पैकिंग करने में छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ, आई होप आप सबको ये पैकिंग का टिप्स अच्छा लगेगा। पहली टिप्स यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है, और कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल की कैप मैंने होल्ड कर ली है, और डिटर्जेंट लिक्विड जो होती है उसमें मैंने डाल दी है। वो क्या होता है, पैकेट में रहते हैं, उसकी कैप खोलो, फिर उसके बाद डिटर्जेंट लिक्विड डालो यहाँ, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट इस तरह से मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में डाल करके, इस तरह देखिए बकेट में पानी डाले पहले मैंने, और थोड़ी सी उसमें लिक्विड मैंने डाल दी, और जितने भी मेरे यहाँ पे वॉल हैंगिंग थे, फ्लावर्स थे, ये सब आर्टिफिशियल फ्लावर, वो सब मैंने थोड़ी थोड़ी लिक्विड डाल करके धो दिए। एक्चुअली ये तो मेरे अभी मैंने दिवाली में ही क्लीन किए थे, बट फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने ये सब चीजें मैंने क्लीन कर ली, ताकि न्यू घर में मुझे कोई चीज की प्रॉब्लम ना हो कि वहां जाकर मुझे क्लीन करनी पड़े। मैं यहाँ एक दो दिन पहले से ही मैंने थोड़ी थोड़ी ये सब चीजें क्लीन करना स्टार्ट कर दी थी। वॉल हैंगिंग वगैरह जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे वो सब मैंने क्लीन कर दी, और ज्यादा गंदे नहीं थे, अभी तो दिवाली में मैंने क्लीन किए थे, इस वजह से थोड़ी सी डिटर्जेंट लिक्विड डाल करके मैंने सारे क्लीन कर दिए। और यहाँ देखिए बालकोनी में मैंने सारे हैंग कर दिए, और ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे बालकोनी एकदम सज गए हैं। तो मैंने सारे धूप में सारे सुखा लिए हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सारे एक एक करके मैं रख दूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो कुशन कवर है, मैंने इसको भी मैंने पहले ही धो के रख लिए थे। तो ये कुशन कवर अगर आप पैकिंग के टाइम में आप बहुत अच्छे से कोई भी सामान को इसमें रख सकते, चाहे आप दूर की शिफ्टिंग कर रहे हो या नियर बाय कर रहे हो, बट ये कुशन कवर हो गए, पिल्लो कवर है, ये सब चीजें में अगर छोटी छोटी चीजें को आप अच्छे से रख सकते हो, तो आपका काफी अच्छे से सामान आपका चला जाएगा, सेफ्टी जाएगा, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और आपका ये कुशन कवर पिल्लो कवर काफी अच्छे से रियूज भी इसमें हो जाएगा। तो ये अच्छा है, मैंने कुशन कवर को पहले ही वॉश कर लिए थे, और मैंने यहाँ पर सारे वॉल हैंगिंग सारे रख लिए, ये जितने भी मैंने फ्लावर्स ये सब रख रही हूँ वो सब मैंने यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें जो है मैं यहाँ पे कुशन कवर में डाल के रख दूंगी, ताकि मुझे वहां जाके ऐसा ना हो कि कोई भी सामान मैं खोजूं तो मिक्सअप हो जाए, मैं ये कहाँ रख दिया है, ये वो कहाँ रख दिया है। आराम से मैं कुशन कवर ये सब कुशन निकालूंगी, और चाहे तो इस तरह से मुझे लगे कि ये कुशन है तो मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने इस कुशन कवर में मैंने डाले हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने पिल्लो कवर का भी काफी अच्छे से यूज कर लिया, लॉन्ग पिल्लो कवर है, तो मैंने सारे इसमें लॉन्ग फ्लावर्स सारे मैंने रख दिए हैं, तो ये काफी अच्छे से चला भी जाएगा। और कुछ चीजें हैं जो मैं नियर बाय जा रही हूँ, तो मैं अपने साथ मैं अपने कार में ही लेके चली जाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं न्यू घर में आ गई हूँ, तो आप सबका मेरे न्यू घर में वेलकम है। एक झलक मैं दिखा रही हूँ, ज्यादा डीपली नहीं, क्योंकि मैं शिफ्टिंग से पहले ही एक दो दिन पहले ही मैं थोड़ी थोड़ी आकर के यहाँ पर आ गई थी, थोड़ी थोड़ी सामान रख रही थी। तो यहाँ देखिए ये मेरी हॉल है, हॉल के साइड में मेरी बड़ी सी विंडो है, और हॉल के जैसे ही एंट्री करते हैं अपोजिट साइड ही जस्ट गेट के सामने एक बड़ा सा मतलब ये कवर्ड है सारा, और यहाँ देखिए जस्ट हॉल से सामने मेरी ये कॉमन वॉशरूम है, ये बेडरूम है, एक दो बेडरूम वाली है, तो ये मास्टर बेडरूम है, काफी अच्छा है, खुला खुला घर है। वो तो जब आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको घर का आइडिया लग ही जाएगा, कि अभी एक झलक आप सबको दिखा रही हूँ, बाकी कैसे कैसे मैं ऑर्गेनाइज करूंगी वो सब आप मेरी वीडियो में देखेंगे ही। और अगर आप मेरे से इंटरेस्टेड हो, मेरी वीडियो देखना चाहते हो या देखते हो, तो उसके लिए तो आपको मेरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरह से बेडरूम है, और बेडरूम से ही कनेक्ट बालकोनी है, तो अभी तो रात हो गई है तो इसलिए अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, और जैसे ही मेरे बेडरूम से निकलेंगे तो एक कॉमन वॉशरूम है, और कॉमन वॉशरूम के जस्ट आगे जाके एक दूसरी बेडरूम है, तो इसमें पूरी कबर्ड लगी हुई है एक साइड में, इसलिए ये रूम थोड़ी सी छोटी है।
तो बस थोड़ी थोड़ी से आपको दिखा रही हूँ कि कैसी घर है। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट जरूर करना कि आप लोग को मेरी घर कैसी लग रही है। तो ये देखिए क्वार्टर है, तो क्वार्टर में तो हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे क्वार्टर पहले से थे वैसे ही हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और ये देखिए इस तरह से हॉल से ही सामने मेरी किचन होती है, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड हमारा किचन में होता है। तो कुछ ना कुछ घर में प्लस माइनस चलता रहता है। तो यहाँ देखिए बस एक ही स्लैब है, स्टैंडिंग लाइन में कोई भी एल शेप में नहीं है, बस ऊपर कबर्ड है, थोड़ी सी नीचे कबर्ड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू पोछा तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मेड आंटी से करवा दी थी, तो बट फिर भी यहाँ आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कितने गंदे पड़े हैं। तो चलिए वो रहते रहते मैं क्लीन करती रहूंगी, वो तो घर अपना जब हो जाता है तो हम तो हर दिन क्लीनिंग करते ही करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कुछ ऐसा है। तो चलिए अब चलते हैं सफाई अभियान पे। तो यहाँ देखिए मैं आई थी तो कुछ पुराने कपड़े, डिटर्जेंट, बीम वगैरह, स्कॉच ब्राइट कुछ कुछ लेके आई थी। और आज के दिन जो मैं शिफ्ट कर रही थी, उस दिन मैं 14 दिसंबर थी, तो उस दिन के बाद कहते हैं ना 15 तारीख से खरमास हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर देखिए एक तुलसी का पौधा लेके आई थी अपने साथ, और दूध, कॉफ़ी, चीनी ये सब लेके आई थी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले किचन थोड़ी सी क्लीन कर लूँ, ताकि मुझे कॉफ़ी बनाने में थोड़ा सा मन मेरा थोड़ा सा अच्छा लगे, कि मैं थोड़ा सा फ्रेश फील कर सकूं। तो मैंने सारे पहले क्लीन कर ली, और मैं आपको सिंक एरिया में यहाँ पे दिखाऊंगी बिफोर और आफ्टर का। पहले का क्या ये सिंक का था, पहले मैं सोची ऐसे जंग लगा हुआ है, बट मैं क्लीन करती गई तो पता चला ये तो मेटल है, पूरे पानी से येल्लो हो चुके थे, क्लीन नहीं हो रही थी। अब देखिए आफ्टर कितना मस्त है। तो यहाँ पर मैं इंडक्शन भी लेके आई थी, दूध, चीनी, और यहाँ पे कॉफ़ी जो लिक्विड होते हैं मार्केट से लेके ही आई थी वहीं से, तो मुझे कॉफ़ी वगैरह फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर दूध चीनी मैंने बॉयल कर ली थी, और यहाँ पर मैंने कॉफ़ी मतलब बना के इसमें डालूंगी, बस कॉफी मस्त बन जाएगी, और कॉफी बहुत टेस्टी बनी थी। तो आइए चलिए चलते हैं, हम कॉफी पीते हैं मेरे नए घर में। आप लोग भी आइए मेरे घर, नए घर में कॉफी पीजिए। तो वाकई मैं रियली बता रही हूँ, कॉफी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मन अच्छा हो गया थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद, थोड़ा सा फ्रेश फील होने लगा। और यहाँ देखिए मेरी बेटी भी खेल रही है, उसे मेरी बेटी ने बहुत साथ दिया, बहुत ये न्यू घर में नई चीजें इसको लग रही थी। उसके बाद यहाँ देखिए मैं नेक्स्ट डे फिर से घर में कुशन कवर का फिर से मैंने काफी अच्छे से रियूज कर लिया है। नेक्स्ट डे मैं मेरे बेटे की जो स्कूल है मैं वो मिस नहीं कर सकती, उसकी एनुअल डे की फंक्शन की तैयारी भी चल रही है। मैंने उसकी यूनिफॉर्म, आई कार्ड, बेल्ट, जो भी है मेरी छोटी बेटी के पैम्पर्स, कपड़े, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड के सबका मैंने एक एक दो दो सेट मैंने कपड़े सब निकाल करके कुशन कवर में डाल लिए थे, ताकि वहां जाके बस मुझे ये कुशन निकालूंगी और सारे कपड़े मेरे एक जगह मिल जाएंगे। छोटी छोटी आइडियाज हैं, बट ये शिफ्टिंग के टाइम में ये छोटी छोटी आइडियाज बहुत काम आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं अपनी बेटे की स्कूल मिस नहीं कर सकती, शिफ्टिंग के नेक्स्ट डे ही मेरी बेटे की स्कूल है, तो मैं ये सब चीजें लेके जाती हूँ। जैसे ये देखिए बेडशीट टकर जो है, कॉम जो होती है बेडशीट फिट करने का, वो मैं लेके जा रही हूँ। और जब हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इस तरह की बास्केट हमारे घर में काफ़ी काम आ जाते हैं। तो मेरे घर में भी मैंने भी इस तरह से बास्केट को काफ़ी अच्छे से सामान को ऑर्गेनाइज किया था, तो ये बास्केट हमारे चलिए बहुत ही काम आते हैं शिफ्टिंग के टाइम में। मैं तो नियर बाय जा रही हूँ, तो इस बास्केट में बहुत सारे सामान ले करके जाऊँगी, और इस बास्केट को फिर मैं वापस ले आऊँगी, ताकि फिर नेक्स्ट डे जब मैं शिफ्टिंग का फाइनल हो जाएगा तो इसके साथ और भी सामान मैं ले आऊँगी। तो ये बास्केट काफ़ी अच्छा है। जैसे ये देखिए मैंने अभी जितनी भी ज़रूरतें की चीज़ मुझे नेक्स्ट डे लगेंगे, ऑयल है, घी है, मेरी छोटी बेटी के फॉर्मूला मिल्क है, चीनी, चाय पत्ती, जो भी है, तो ये बास्केट में मेरा काफी अच्छे से सामान आ जाएगा, और एक बार में मैं अपनी कार से ले जा पाऊंगी। ये मसाले वगैरह हैं तो मैं एक दिन पहले रख दूंगी, तो ये काफी अच्छा रहेगा मेरे लिए, काफी हेल्पफुल हो जाएगा। और कुछ कांच की जैसे ग्लास वगैरह हो गए, कप वगैरह जो हो गए, ये देखिए मेरे जैसे चावल की कंटेनर है, ये बास्केट है, इस डब्बे में मैं इस तरह से रख दे रही हूँ। और ये सब चीजें मैं अपने साथ नहीं लेके जा रही हूँ, ये जो शिफ्टिंग वाले भैया लोग आएंगे वो खुद अपने बास्केट में लेके जाएंगे, बट फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए मैंने फिर खुद से ही इस तरह से पैक कर दी है, और ये उनको भी ईजी रहेगा, इस तरह से डब्बे उठा करके पैक कर देंगे, और मेरे सेफ्टी भी रहेंगे कांच के, इस तरह से कोई मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होगी, टूटने का भी चांसेस कम रहेगा। नेक्स्ट डे उसी दिन रात में मैं फिर से, मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आते थे, उसके बाद मैं न्यू घर चली जाती थी, ताकि मैं एक एक दिन करके
कुछ अपने से जो होती है ना क्लीनअप, वो अलग ही बात होती है। तो मैं सारे स्टोर रूम है ये मेरे, तो मैं यहाँ पे पूजा का बनाने वाली थी, तो मैं सोची कि चलो पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ, सारी डस्टिंग वगैरह करके पेपर ऊपर यहाँ पे बिछा दूंगी, ताकि मैं जब शिफ्टिंग करूंगी तो फटाफट इसमें सामान डालती जाऊंगी और मुझे बाद में मतलब प्रॉब्लम ना हो कि मैंने इसको क्लीन नहीं की। ऐसे क्लीन रहेंगे, पेपर बिछे रहेंगे, तो बस सारे मैं बॉक्सेस जो है खोलती जाऊंगी और सामान सारे रखती जाऊंगी। बाद में मैं एक एक घर के सारे ऑर्गेनाइज करूंगी। काम कर रही थी तब तक लाइट कट गई, बट यहाँ पर ये था कि इन्वर्टर थी, तो इन्वर्टर मेरे हस्बैंड ने फिर ऑन की, उसके बाद हमने थोड़ी बहुत काम की, उसके बाद मैं घर चली गई। और यहाँ देखिए मैंने सारे जो भी यहाँ पे मैं पूजा का सामान लेकर आई थी, ताकि उन लोगों के भरोसे मतलब पूजा का सामान कुछ फोटो वगैरह टूट ना जाए, तो इस वजह से मैंने खुद ही इस तरह से बास्केट में मैं लेके आ गई थी। तो पूजा का सामान मैंने यहाँ पूजा रूम में ही मैंने रख दिया, कुछ मैंने चूड़ियाँ वगैरह जो लेके आई थी वो रख दी, जो कांच की बॉटल वगैरह जो थी वो मैं किचन में ही रख दे रही हूँ, ताकि वो जो मुझे मतलब मैं होता है ना कांच की डर रहती है कि कांच की कुछ बॉटल वगैरह टूट ना जाए, और ये जो मेरी ये जो स्टोर रूम है इसमें मेरी वॉशिंग मशीन रहेगी, तो इस वजह से मैंने उसको भी क्लीन कर दी। और लास्ट जो था, मेरी बेटी यहाँ जम के नीचे खेली थी, तो मैं उसकी हैंड हाथ पैर अच्छे से धो दूंगी, उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी। तो ये मेरा लास्ट था, मतलब पुराने घर से नए घर में आती थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हमारा मैं न्यू घर में शिफ्ट करती। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे हमारा सामान चला गया, ये छोटी गाड़ी आपको लग रही है बट ये 4 ट्रिप मेरी सामान गई थी। तो यहाँ पर देखिए मेरी मैं न्यू घर में आ गई हूँ, न्यू मॉर्निंग है और न्यू स्नैक्स मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। तो सामान इतने सारे इधर उधर हो गए थे, मैं कपड़े वगैरह सब लेके आ गई थी, बट फिर भी मैं आलू प्याज एक जगह मैं नहीं कर पाई थी, मेरे को कुछ नहीं मिल रहे थे। बट मुझे रात में मैंने आटा वगैरह निकाल के रख लिया था, बस मैंने आटा का चीला बनाया अजवाइन नमक डाल करके हल्दी डाल करके, क्योंकि मैं स्कूल भी इसकी मिस नहीं कर सकती थी, तो मैंने इंडक्शन पर ही जल्दी जल्दी में मैं अपने बेटे के लिए चीला बना दिया और ब्रेकफास्ट लंच में मैंने वही दे दिया, और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट मुझे मिल गई थी तो मैंने काजू दे दी। तो यही होता है यार, अगर लोकल शिफ्टिंग करो या दूर की शिफ्टिंग करो, काम तो वैसा ही रहता है, सारे बास्केट ऐसे ही फैले रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है। अगर इस तरह से छोटी छोटी चीज आप ये आइडिया अपना करके अच्छे से ऑर्गेनाइज मतलब नहीं करोगे शिफ्टिंग के टाइम में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने जैसे जैसे किए हैं पैकिंग के टाइम में छोटी छोटी टिप्स को अपनाए हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आप भी शिफ्टिंग कर रहे हो, चाहे नियर बाई हो चाहे आप दूर की शिफ्टिंग कर रहे हो, तो ये सब चीजें काफी हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए यहाँ पर मुझे रात में ही मैंने आटा वगैरह मैं खोज कर रख ली थी, ताकि मेरे को यहाँ पर ब्रेकफास्ट और इसके लंच बनाकर मैं दे पाऊँ, तो मैंने दे दिए हैं। और यहाँ देखिए न्यू घर की न्यू मॉर्निंग नज़ारा यहाँ का देखिए। वैसे तो मेरी वीडियो आप देखेंगे तो आप देखते समझ जाएंगे कि कहाँ अब बुलबुल चली गई है। तो ये देखिए मेरी बेटी भी सोई हुई, और यहाँ देखिए मेरे बेडरूम की बालकोनी से जस्ट सामने ही मस्जिद है, रिलायंस मॉल है, तो काफ़ी अच्छा व्यू है और काफ़ी मतलब खुला खुला घर है, तो काफी अच्छा लगता है। जो ये आइडिया मैं अपना रही हूँ ये मस्ट है। ये इस तरह से थर्माकोल जो होते हैं ये पैक करके आते हैं, जैसे कुछ कांच के वगैरह मेरे नियर बाय भी आए हैं, तो इस तरह से जैसे ग्लासेस वगैरह, जैसे ड्रेसिंग हो गई मेरी, सोफा हो गई या सेंटर टेबल के ग्लास हो गए, तो इस तरह से थर्माकोल में रैप करके लाते हैं। बट उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें आप इसको कट करके आप हर जगह इसका रियूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने बर्तन स्टैंड हैंग किए हैं, तो आप उसके नीचे भी इस तरह से कट करके बिछा सकते हैं, चाहे आप बेड दीवान जो होती है कवर्ड वाले उसके नीचे आप बिछा करके आप कोई भी अपना सारे बास्केट वगैरह थैले वगैरह कपड़े के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए बर्तन स्टैंड में मैंने रख इसमें बिछा दी है, तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे प्लेट जो है गिरेंगे नहीं, गिरने की चांसेस भी नहीं रहेगी। और यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी एस हुक, मैंने ऑनलाइन से मैं मंगाऊंगी अभी, बट अभी मैंने पुरानी बैंगल को ही तोड़ करके इस तरह से मैंने एस बना दी है, वहां पर काफी ज्यादा मेरे चमचे वगैरह करछी वगैरह सब आ गए। और इसके नीचे भी मैं एस मंगाऊंगी, वो जो स्टील के आते हैं, तो उसके नीचे रख दूंगी तो मेरे कफ वगैरह आ जाएंगे। तो ये अच्छा आइडिया है, इस तरह से पुरानी बैंगल को भी तोड़ करके एस बना लो। तो ये कैसी लग रही है मेरी शिफ्टिंग टिप्स, छोटी छोटी हैं, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।